स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ सुबह सूरज कहाँ से आता है और शाम को वो कहाँ चला जाता है, या शाम होने के बाद जो आकाश में डार्कनेस आती है, अंधेरा आता है, तो इतने सारे ट्विंकल ट्विंकल स्टार कहाँ से आ जाते हैं, जो नंबर्स में काफ़ी सारे होते हैं या मिलियंस होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अवर यूनिवर्स, अवर अर्थ प्लैनेट एंड सोलर सिस्टम। ओके, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन वीडियो। आई एम एक्सप्लेनिंग विच टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले ये माना गया था कि जो धरती है, हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो बीच सेंटर में होता है यूनिवर्स में, और उसी थ्योरी को लोग मानकर चल रहे थे। लेकिन जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जिनको नॉलेज होता है यूनिवर्स के बारे में, ज्योग्राफी फैक्ट्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेमस निकोलस कॉपरनिकस एंड इटालियन एस्ट्रोनॉमर्स गैलीलियो गैलीली। अकॉर्डिंग टू दैम, उन्होंने ये थ्योरी इम्प्लीमेंट की कि यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं, बीच सेंटर में सन है और उसके आसपास जो अदर प्लैनेट है वो रिवॉल्व या रोटेट करते हैं। और ये थ्योरी उन्होंने प्रूव की विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, और वो थ्योरी एस अभी हम उसको मानकर चल रहे हैं कि इट इज़ अ ट्रू। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू योर बुक, फर्स्ट टॉपिक इज सेलेस्टियल बॉडीज। सो स्टूडेंट, वॉट एवर वी आर सी इन द स्काई और इन द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी, कॉमेट्स, मेट्रियॉर्स, एस्ट्रियॉर्ड, ये सारे टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे। सो ऑल दी हेवनली बॉडी विच वी सी इन द स्काई और इन द प्लैनेट और इन द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अवर यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग बिफोर 14,600 मिलियन अगो, देर इज अ जाइंट क्लाउड इन स्काई और इन यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड निबोला। निबोला कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, दैट मीन्स क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। नाउ द निबोला वॉज स्पाइनिंग एंड हैड इट्स ओन ग्रेविटी एंड कंटिन्यूसली इट्स spinning collide and form huge amount of hydrogen and helium gas in the universe. For that, it's created star, planet, comets, etc. So, nebula cloud बहुत ज़्यादा fast direction में collide हुआ, spin हुआ उसकी खुद की gravity के कारण, और उसकी वजह से different planet, stars और different universal comets, asteroids वहाँ पे form हो गए, create हो गए। So students, because of collision of nebula cloud in the universe, there are so many amount of hydrogen and helium gas are present. Now our next topic, our main planet, center planet, that is sun. So sun is the main center planet of our universe. The sun is a star, sun jo hai wo ek star hai, lekin iske alawa bhi universe mein karodo aur tare ya star present hai, लेकिन सन जो है वो उनके कंपेयर में बिगर साइज में हमको क्यों दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मीडियम साइज स्टार, देर आर मैनी स्टार्स विच आर बिगर द सन, सिंस
These bigger stars are far away from the earth. तो जो तारे हैं जो बहुत छोटे दिखाई देते हैं हमको धरती से, वो अर्थ से काफ़ी डिस्टेंसेस पर हैं, लेकिन जो सन है दे आर नियरर टू आर अर्थ. हमारी धरती से सन जो प्लैनेट है वो बहुत ही पास है, इस वजह से उसका जो साइज़ है वो इतना बिगर दिखाई देता है कंपेयर टू अदर स्टार्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, गैलेक्सी. मिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर्म अ गैलेक्सी. मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है ना, इट इंक्लूड्स मिल्की वे ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड आकाश गंगा. हम उसको आकाश गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज लुक लाइक वाइट बैंड ऑफ लाइट एंड सन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी. आर नेक्स्ट टॉपिक इज सोलार सिस्टम. हैज वी नो दैट सन इज इन सेंटर पोजिशन एंड अदर प्लेनेट रोटेट अराउंड सन. तो सन जो है वो सेंटर पोजिशन पे होता है और इसके आसपास जो 8 प्लैनेट्स है वो उसको रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, उसके आसपास घूमते हैं. ओके, सो उनका सीक्वेंस जो है एज इट इज़ वैसा ही रहता है. ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है वो बीच में आ जाए या फर्स्ट पोजिशन पे आ जाए घूमते घूमते या लास्ट पोजिशन पे आ जाए, ऐसा नहीं है. ओके, नाउ दैट इज इन फर्स्ट पोजिशन मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ. इन थर्ड पोजिशन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. सो इसको याद रखने का एक तरीका है, आप एक स्टेटमेंट लर्न कर लीजिए, इससे आप कभी नहीं बोलेंगे कि इनका जो सीक्वेंस है वो क्या है. स्टेटमेंट इज माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. ओके, सो माय एम से माय मर्क्यूरी, वेरी से वीनस, इफिशियंट का ई से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अस से यूरेनस एंड नूडल से नेपट्यून. सो माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. अब कभी आपने सोचा है कि दिस सीक्वेंस में जो प्लैनेट है सन के आसपास घूम रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में क्यों होते हैं, है ना, ये बीच में से कहीं और इधर उधर क्यों नहीं चले जाते हैं. सो उसका मेन कारण ये है कि जो सन है उसके अंदर ग्रेविटी फोर्स होता है जो सारे प्लैनेट्स को एक ही पोजीशन में पकड़ के रखते हैं, है ना, उसको अट्रैक्ट करके रखता है ताकि वो उसी डायरेक्शन में रोटेट हो. ओके, इसी वजह से सन सेंटर में होने के बाद उसके बाद 8 जो प्लैनेट हैं वो घूमते हैं. अब सन के बाद जितने भी 4 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इट इज़ कॉल्ड इंटीरियर प्लैनेट. एंड नेक्स्ट 4 प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड एक्सटीरियर प्लैनेट. इट इज़ बिकॉज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स इज मेड अप ऑफ रॉक. ये पत्थरों से बने हुए हैं, इसके अंदर पत्थर है, हैवी मटेरियल है. देन आफ्टर रेस्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर मेड अप ऑफ गैस एंड लिक्विड. तो ये हैवी नहीं है, लाइट हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंड मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स कॉल्ड इंटीरियर प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम.